दोस्तों फिर किसी दिन फिर इंशाल्लाह ताला हामिद मुतावली साहब, बहुत शोरक राम की फहरिस्त काफी तवील है, दोबारा फिर आएंगे 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 आएंगे। दोबारा आएंगे मगर दूसरे को भी पढ़ने दीजिए, आएंगे दोबारा। अरे चलो चलिए आइए दोस्तों, बस मैं फिर पढ़ता हूँ कि चंद किस्सों के नतीजे तो रहे शक्ल पजीर, चंद अफसानों के अंजाम अभी बाकी है। तेरी फहरिस्त तो यारा बड़ी छोटी निकली, मेरी फहरिस्त में कुछ नाम अभी बाकी है। जी चांदनी शबनम साहिबा कोई बस दो शायरों के बाद इंशाल्लाह चांदनी शबनम साहिबा को आप सुनेंगे। इस वक्त तरन्नुम के जिस खूबसूरत शायर को आपका तारुफ कराने जा रहा हूँ, आपका अपना महबूब शायर, अगर ईमा सलामत है, सुनिए, अगर ईमा सलामत है तो किस्मत मुस्कुराती है, अगर ईमा सलामत है तो किस्मत मुस्कुराती है, सुलगते पत्थरों पर भी इबादत मुस्कुराती है। अगर ईमा सलामत है तो किस्मत मुस्कुराती है, सुलगते पत्थरों पर भी इबादत मुस्कुराती है। खुदा ने वो कशिश बख्शी है उसके नर्म लहजे में, वो जब हंसता है चेहरे पर शराफत मुस्कुराती है। एक खूबसूरत लबो लहजे का शायर जिसे हम और आप दिलशाद नजमी के नाम से जानते हैं, वो आए और बेहतरीन तरन्नुम से आता गजल पेश करें दिलशाद नजमी। सुनिए जिस वक्त आप सुनेंगे दिलशाद साहब को सुने, मसला यूं है, वो बनाते हैं बहाने क्या क्या, वो बनाते हैं बहाने, वो बनाते हैं बहाने क्या क्या, दिल तो करता है न जाने क्या क्या। वाह 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 वाह, वो बनाते हैं बहाने क्या क्या, दिल तो करता है न जाने क्या क्या, हम अचानक जो चले आते हैं, हम अचानक जो चले आते हैं, आप लगते हैं छुपाने क्या क्या। वाह 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 वाह, हम अचानक जो चले आते हैं आप लगते हैं छुपाने क्या क्या, और ये शेर के उनको मालूम नहीं है शायद, उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम नहीं है शायद, उनको बख्शा है खुदा ने क्या क्या। क्या गजल का शेर, वाह वाह वाह, उनको मालूम नहीं है शायद, उनको बख्शा है खुदा ने क्या क्या। एक मतलब और एक शेर, चाहे कोई एक लम्हा रकम नहीं, सुना दोस्तों, कई मुद्दतों का हिसाब है। वाह गजल हो रही दोस्तों, गजल हो रही, वाह वाह वाह। कोई एक लम्हा रकम नहीं, कई मुद्दतों का हिसाब है, कोई एक लम्हा रकम नहीं, कई मुद्दतों का हिसाब है, तेरे ताके दिल पे रखी हुई मेरे आंसुओं की किताब है। डॉक्टर कलीम आजीज और कैफ अजीमाबादी जैसी मशहूर और मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात के बाद बिहार की नुमाइंदगी के ताल्लुक से एक तवील अरसे से कोई नाम इस तरह उभर कर सामने नहीं आ रहा था जिसे मुल्कों व बैरून मुल्क में नुमाइंदा शायर की शनाख्त मिल सके। लेकिन बहुत ही कम अरसे में अपने म्यारी लबो लहजे और मुतरनिम आवाज़ को मुतारिफ कराने का चेहरा जिस नौजवान और हरदिल अजीज और खुशगुल शायर के सरमंदा है, उसे आज दुनिया अनवर कमाल के नाम से जानती है।
वाह 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 वाह। उसे आज दुनिया अनवर कमाल के नाम से जानती है और मुल्क के हर बड़े मुशायरे के मुंतजमीन अनवर कमाल की शिरकत को अपने मुशायरे की कामयाबी की जमानत मानते हैं। बेशक मैं माइक पे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ इन चार मिसरों के साथ कि समातों में घुला जा रहा है, समातों में घुला जा रहा अजीब कुमार, समातों में घुला जा रहा अजीब कुमार, खुदा करे लबो लहजे में हो मजीद निखार, निहाल हो गई है सरजमीन बर्दा, मिसाल रश्क है अनवर कमाल की रफ्तार।